नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इंसोमिया यानी स्लीपलेसनेस यानी नींद ना आने के विषय में। यह एक बहुत कॉमन समस्या है जो आपको या आपके परिवार में किसी को होती होगी, हमारे या हमारे परिवार में भी किसी को होती होगी। और यह बीमारी या ये परेशानी और परेशानियों की जननी कही जा सकती है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो आज के तनाव के माहौल में आप दिन भर काम नहीं कर सकते, चाहे वो घर में हो या चाहे वो बाहर हो। तो आज हम बताएंगे आपको नींद ना आने की समस्या दूर करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं कि इंसोम्निया यानी नींद ना आना होता क्या है। ये तो हम सबको पता है कि नींद ना आना ही इंसोम्निया है। रात में आप लेटे, आपको नींद नहीं आई, आप स्लीपलेसनेस का शिकार हो गए। तो बेसिकली चार तरह से ये क्लासिफाई होता है, कैटेगोरिक होता है। पहला होता है कि आपको रात में बहुत देर तक जागते रहे और नींद नहीं आई। दूसरी स्थिति होती है कि रात में नींद आई लेकिन देर रात में आप उठ गए। तीसरी स्थिति होती है कि रात में आप सोए और कई बार रात में आपको उठना पड़ा। और एक चौथी स्थिति होती है, सुबह आप उठ गए लेकिन आप अपने को रिफ्रेशिंग नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको थकान है। तो यह चारों स्थितियों में से अगर कोई स्थिति आप में देखी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आप इंसोम्निया के शिकार हैं और आपको इसके लिए कुछ मेडिकेशन ले लेना चाहिए ताकि आप ठीक हो सकें। साथ में आपको घर में ही मैनेजमेंट कर देना चाहिए जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथियों, इंसोम्निया दो तरह का होता है, एक्यूट क्रॉनिक। एक्यूट इंसोम्निया तब होता है जब आपको दो तीन दिन नींद ना आए, कोई समस्या मन में घूम रही और दो तीन दिन नींद नहीं आ रही, तो उसको कहते हैं एक्यूट इंसोम्निया। वो अपने आप ठीक हो जाता है, जरा सा आप अपने बेडरूम का माहौल बदल दें तो वो सही हो जाएगा। फिर एक होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया वो इंसोम्निया होता है जब आपको हफ्ते में तीन दिन, तीन महीने तक नींद नहीं आती है, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया, और उसमें वास्तव में दवा की जरूरत होती है। दो तरीकों से साथियों और इंसोम्निया क्लासिफाई होता है, एक प्राइमरी इंसोम्निया, एक सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया उस इंसोम्निया को कहते हैं, नींद ना आने की स्थिति को कहते हैं कि जब आपको नींद ना आना किसी बीमारी से सीधे लिंक नहीं है, यानी कि बस इतनी सी बात है कि आपको नींद नहीं आ रही। और दूसरा जो होता है इंसोम्निया, उसमें क्या होता है सेकेंडरी इंसोम्निया में, कि आपको कोई और बीमारी जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया या कोई भी अन्य बीमारी हो गई है और उसके कारण आपको नींद नहीं आ रही, उसको कहते हैं सेकेंडरी इंसोम्निया। फिर साथियों आते हैं इसके कॉजेस पर, इंसोम्निया के कॉजेस। हम सब कोई ना कोई कॉज एक्सपीरियंस करते हैं, कभी किसी को टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है तो नींद नहीं आती है, कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आपके आसपास का माहौल होता है तो आपको नींद नहीं आती है, कभी कोई बीमारी होती है उसके कारण आपको नींद नहीं आती है, कभी कोई तनाव होता है उसके कारण नींद नहीं आती, इस तरह तमाम रीजंस हो सकते हैं आपको नींद ना आने के। इसको आप आइडेंटिफाई करें और लाइकवाइज हम आपको इसकी कारगर दवा इस वीडियो में बताएंगे जो आपके इन सिम्टम्स को दूर कर सके। फिर साथियों इसके सिम्टम्स हम सब जानते हैं कि अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो जो है वही सबसे बड़ा सिम्टम है, या रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं आ रही है, या आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा है, या रात में बहुत देर तक नींद सो रहे हैं और सुबह बहुत जल्दी जगे जा रहे हैं। तो यह चारों चीज़ें जो है वो सिम्टम्स में आती हैं। चारों में से कोई भी सिम्टम आप में है तो आप समझ सकते हैं कि आपको शायद इंसोम्निया की दिक्कत हो और आपको उसकी दवा की ज़रूरत है, जो कि आपको इस वीडियो में हम कारगर दवा बताते हैं। अब साथियों चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर, आपकी समस्या को ख़त्म करने के एक छोटे से प्रयास में। दवाएं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि नींद आने के तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम सिम्टम हो सकते हैं और आपके हिसाब से वो सिम्टम और दवाएँ भिन्न हो सकती हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं। बहरहाल आपको होम्योपैथी के करीब लाने का यह प्रयास है जो हम चाहते हैं कि आप दवाओं के बारे में जान जाएं, ताकि आप कभी किसी से बात करें तो आपको दवाएं मालूम हों। यह इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, इसका इसलिए कार्यक्रम करा जाता है। अब साथियों हम आपको बताते हैं होम्योपैथी में नींद आने को दूर करने की
15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको ठीक कर देंगी और आपको जीवन को फिर से स्वस्थ, खुशी भरा और ऊर्जापूर्ण कर देंगी। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक ऐसे मदर टीचर का नाम जो हमारे क्लिनिक पे एक मरीज एक बार आया था और वो कई दिनों से नहीं सोया था, उस कोई दवा उस पर काम नहीं कर रही थी और वो ऐसा होम्योपैथी का मदर टीचर है जो उस पर तत्काल काम कर गया। उस मदर टीचर का नाम है एस्कोलिया कैलिफोर्निया। एस्कोलिया कैलिफोर्निया 20 बूंद आप रात में किसी भी मरीज को दे दें जिसको नींद ना आ रही हो, बहुत उम्मीद है कि उसको नींद आ जाएगी और वह रिफ्रेशिंग स्लीप लेगा। एस्कोलिया कैलिफोर्निया का मदर टीचर 20 ड्रॉप्स आप ले लें और जिसको बहुत नींद आ रही है उसको 40 ड्रॉप्स ले लें और इसको आप पानी में डाल के रोज रात में पी लें, आप इसका करिश्माई रिजल्ट देखेंगे। फिर साथियों, एक स्थिति आती है जो वास्तविक स्थिति है नींद ना आने की और वह है टेंशन, स्ट्रेस, सोच। तो अगर आपको स्ट्रेस के कारण या टेंशन के कारण, तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है तो उसको होम्योपैथी में दूर करने की बहुत कारगर दवा है कैलिफॉस। हम सब लोग इसका नाम जानते हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। कैलिफॉस 6x में आप 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार गुनगुने पानी में दे दें कि अगर आपको कोई टेंशन है, कोई तनाव है, आपको स्ट्रेस हो रही है, उस स्थिति में कैलिफॉस के सेवन से आपका नर्वसनेस, एंजाइटी, एग्जामिनेशन से डर लगना, उसके कारण नींद ना आना, ये सारे सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 80 रुपये की बायोकेमिक शीशी आती है और इतनी सस्ती दवा भी आपको पूरी तरह ठीक करने में सक्षम है। आप कैलिफॉस 6x अपने नर्वसनेस, एंजाइटी, नींद ना आने के लिए, जब आपको स्ट्रेस और तनाव हो उस स्थिति में नींद ना आने के लिए आप कैलिफॉस जरूर लें। जब आपको चिंता हो, जब आपको बहुत चिंता में आप हो, आपको वरी हो, उस वक्त कैलिफॉस आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि हम रात भर सोचते रहे, अपनी चिंता करते रहे, परेशान होते रहे, रात भर सोचते रहे और नींद नहीं आई। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि अगर आपको सोचने के कारण, कॉन्स्टेंट थॉट्स के कारण नींद ना आ रही हो, तो उस स्थिति में आपको नींद लाने की या इंसोम्निया को दूर करने की सबसे कारगर दवा कॉफिया है। आप कॉफिया क्रूडा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि लेना शुरू कर देते हैं तो आपको जो लगातार सोचने के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, लगातार आपको सोचने के कारण आपकी नींद बाधित हो रही है, वह दूर हो जाएगी और आपको प्लीजेंट और बढ़िया नींद आएगी। एक साथियों, बड़ी अजीब सी कंडीशन है कि मरीज बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा एम्बिशियस है और उसके कारण उसको नींद नहीं आ रही। तो अगर यह सिम्टम आप अपने में देखते हो कि आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और इतना दिमाग चलता हो कि नींद नहीं आ रही, तो अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं तो इस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा स्टरकुलेरिया है। आप स्टरकुलेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप ये पाएंगे कि आप जितना भी आप दिमाग चलाते हो लेकिन रात में आप सुकून से सोएंगे, यह दवा आपकी उस स्थिति में मदद कर देगी। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है और डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण नींद नहीं आ रही है। तो अगर आपको डिप्रेशन के कारण नींद आ रही हो, चिंताओं के कारण डिप्रेशन हो रहा है और डिप्रेशन के कारण नींद ना आ रही हो, आप डिप्रेशन में हो, अगर यह स्थिति आप में अपने में देखते हैं तो इसके लिए होम्योपैथी में कारगर दवा साथियों इग्निशिया है। आप इग्निशिया हमारा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको डिप्रेशन भी दूर होगा और आपको बहुत साउंड स्लीप आएगी। इग्निशिया हमारा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम देखते हो, जैसे प्यास लग रही है लेकिन पानी पीने का मन नहीं है, सर्दी बहुत लग रही है लेकिन कंबल ओढ़ने का मन नहीं है। तो अगर इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आप में देखे जाएं और आपको नींद ना आ रही हो तो उसको नींद लाने की सबसे अच्छी दवा इग्निशिया है। आप इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी स्थिति साथियों आती है कि आपको रात के पहले हिस्से में नींद ना आ रही हो, जैसे 12-1 बजे 2 बजे तक नींद नहीं आ रही, कहें रात के पहले हिस्से में नींद नहीं आती और फिर रात में 2-3 बजे सोते हैं और फिर सुबह थोड़ा देर से उठते हैं। तो अगर यह कंडीशन हो कि आपको नाइट के फर्स्ट पार्ट में स्लीप ना आ रही हो, उस स्थिति को दूर करने की दवा पल्सेटिला है। पल्सेटिला नाइग्रेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको जो रात के पहले हिस्से में नींद नहीं आ रही है वहाँ नींद आने लगेगी और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे उस स्थिति में कि जब आपको प्यास ना लगती हो, आपको
खुले में जाने का मन करता हो, बंद कमरे में रहना आप पसंद ना करते हो, और आपको सांत्वना से सुकून मिलता हो किसी की दी हुई, यह अगर सिम्टम आप में पाए जाएं तो आपकी दवा पल्सेटला 30 है। पल्सेटला का पेशेंट हमेशा मृदभाषी होता है, अच्छी बात करता है, यह लेडीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। एक कंडीशन आती है साथियों, सुबह बहुत जल्दी उठ गए उसके बाद फिर नहीं सोए, तो अगर यहाँ आप में स्थिति आती कि सुबह बहुत जल्दी आपकी नींद खुल जाती है, 3 बजे खुल जाती है और फिर आपको दोबारा नींद नहीं आती है, यह स्थिति अगर आप में है तो इसकी इस कंडीशन को दूर करने की दवा होम्योपैथी में बेलिस पर है। आप बेलिस पर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो इससे आपकी एक तो रात में नींद नहीं खुलेगी, और अगर रात में नींद खुल गई तो वह दोबारा आ जाएगी और आप पूरा अपना 6-7 घंटे की स्लीप को पूरा करेंगे, जो कि रिफ्रेशिंग होगी, यानी क्वालिटी वाइज बढ़िया होगी। स्लीप हमेशा क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि रात के दूसरे हिस्से में नींद नहीं आ रही, यानी कि 3-4 बजे उठ गए और उसके बाद टहलने निकल गए पार्क या कहीं निकल गए, तो अगर यह स्थिति आप में पाई जाए कि सोए तो आप टाइम पे लेकिन आप 3 बजे रात में उठ गए, यह स्थिति अगर आप अपने में देखते हैं साथियों, तो इसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपको थोड़ा देर तक सोएंगे, अपने समय तक सोएंगे कि रात का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा, सुबह 3 बजे उठ के आपको पार्क टहलने नहीं जाना पड़ेगा, पार्क की सैर करने नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आपको सेकंड पार्ट में नींद नहीं आ रही है तो उसकी दवा नक्स वोमिका 30 है, आप इसको ले लें, इससे आपका डाइजेशन भी सही होगा, आपको लंबे देर तक थोड़ा देर तक एक पूरी रिफ्रेशिंग स्लीप भी मिल जाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मन भर के नहीं सोए, जब यह फीलिंग आती है कि हम सोए तो लेकिन मज़ा नहीं आया, पूरी नींद नहीं आई, यह स्थिति अगर आप में पाई जाती है तो इस थॉट को ख़त्म करने की यानी और गहरी नींद लाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा क्लिमेटिस इरेक्टा है। आप क्लिमेटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपको ये सेंसेशन ख़त्म हो गया कि यार थोड़ा और सो लेते तो अच्छा था, आपको बढ़िया नींद आएगी, नींद पूरी होगी और आप अपने को फिट महसूस करेंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको बेचैनी हो, एंजाइटी हो और आपको नींद ना आ रही हो, तो अगर बेचैनी की स्थिति में आपको नींद नहीं आ रही, एंजाइटी की स्थिति में नींद नहीं आ रही, तो उसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम 30 के मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, रात के 12-1 बजे उसकी तकलीफें बढ़ती हैं, तो अगर एंजाइटी के कारण आपको रात को 12-1 बजे नींद खुल रही है तो समझ लीजिए आपकी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 है, इसको आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको नींद नहीं आ रही है तो उसमें भी आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है, आप अगर आर्सेनिक लेते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि डरावने सपने आए और मरीज जग गया, तो अगर यह कंडीशन आप अपने में देखें कि अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं और इसके कारण मरीज जगा जा रहा है, अगर यह कंडीशन आप अपने में देखते हैं तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैमोमिला है। आप कैमोमिला 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपका या जो डरावने सपने के कारण रात के 1-2 बजे आपकी नींद खुल रही है, यह पूरी तरह ख़त्म हो गई और आप ठीक हो गए। यह बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, जब रात में बच्चे उठ के चिल्लाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उनकी नींद खुल जाती है, उस स्थिति में कैमोमिला 30 रामबाण है जो उनको बहुत फ़ायदा करेगी और उनको ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों की नींद तो आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, तो अगर यह कंडीशन आप अपने में देखें कि नींद तो आ रही है, स्लीपी आप हैं लेकिन आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, इंसोमिया की शिकायत है, उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ओपीएम है। आप ओपीएम 30 2-2 बूंद यदि दिन में 3 बार ले लेंगे तो आपका जो नींद तो आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहे, यह जो लाइन है यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी और आप सोएंगे भी, स्लीप रिफ्रेशिंग होगी, सुबह आप वक्त से उठेंगे और अपना काम दिनचर्या रेगुलरली करेंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि रात में कुछ लोगों को शौक होता है, बढ़िया उन्होंने खाना खाया रात में, देर रात खाया, उसके बाद उनका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स है, डकारें आने लगी और डकारें आने के कारण वो रात में नहीं सो पा रहे हैं, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको एसिडिटी बनती हो, डकारें आती हो, जीआरडी की शिकायत हो और उसके बाद आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो उसको ठीक करने की
होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा रोबिनिया है। आप रोबिनिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले लें कि जब आपको एसिडिटी होती हो, आपको रात में नींद उसके कारण ना आती हो। रोबिनिया 30 आपका एसिडिटी को भी ठीक कर देगी और आपको गहरी बढ़िया और रिफ्रेशिंग स्लीप भी देगी। एक कुछ लोगों की आदत होती है कि इतना हल्का सोते हैं कि अगर आलपिन भी गिर जाए तो उनको वो भी सुनाई पड़ती है। तो अगर यह स्थिति आ रही, यानी आपको गहरी नींद नहीं आ रही है, यह स्थिति आती कि ज़रा सी आवाज़, ज़रा सा खटखट भी आपको डिस्टर्ब कर देती है, नींद से बाहर कर देती है स्थिति से, उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा इग्निशिया है। आप इग्निशिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो जो आपका ये ज़रा सी आवाज़ होने से आपकी नींद खुलने की कंडीशन है या पूरी तरह ठीक हो जाएगी और आप गहरी रिफ्रेशिंग स्लीप ले सकेंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि बहुत जोड़ों में दर्द हो रहा है और उसके कारण नींद नहीं आ रही है। तो अगर किसी के साथ यह स्थिति हो कि उसके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है और उस कारण उसको नींद ना आ रही हो, तो उस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा रसटॉक्स है। आप रसटॉक्स 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपके जोड़ों के दर्द को भी आराम मिलेगा और आपको बढ़िया नींद भी आ जाएगी, जो कि रिफ्रेशिंग भी होगी और आपको एक तरह से आर्थराइटिस के कारण जो नींद नहीं आ रही उसको भी यह ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति साथियों बहुत लोगों में आती है कि पैर चलाते रहते हैं, जब पैर हिलाते रहते हैं, उनका पैर हिलाने की आदत होती है और फिर रात भर उसके कारण उनको नींद नहीं आती है। जिसको ये दिक्कत होगी वो समझ सकता है। तो अगर यह स्थिति आपको होती है कि पैर हिलाने के कारण लगातार आपको नींद नहीं आती है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा जिंकम मेट है। जिंकम मेट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में दे सकते हैं। जब मरीज को लगातार पैर स्विंग करने की आदत हो, पैर को हिलाते रहने की आदत हो और उस कारण वो रात में सो ना पाता हो, उस स्थिति में जिंकम मेट उसका पैर हिलाना भी बंद कर देगी और उसको बढ़िया नींद भी दिला देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि मरीज को दिन में तो नींद आती है लेकिन रात में नहीं आती, इसको कैट मैप स्लीप कहते हैं। तो अगर यह स्थिति हो रही, खास तौर से बच्चों में पाई जाती है कि दिन में तो सोते रहते हैं या दिन में तो बड़ी नींद आती है और रात में जागते रहते हैं, तो अगर यह स्थिति किसी में होती है तो उसके लिए सबसे कारगर दवा होम्योपैथी में नींद ना आने की शिकायत को दूर करने की है सल्फर। आप सल्फर 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उन लोगों को, उन बच्चों को या उन बड़ों को दे सकते हैं जो दिन में तो सोते हों और रात में जागते हों। सल्फर का पेशेंट आमतौर पर नहाना नहीं पसंद करता, थोड़ा सुस्त होता है, थोड़ा सा स्किन उसकी डर्टी लुकिंग होती है और उसे मीठा खाना बहुत पसंद होता है और उसे सर्दी लगती है। यह सारे सिम्टम यदि किसी में हैं तो सल्फर का मरीज और सल्फर निश्चित रूप से उसको नींद दिला देगी। फिर एक दवा साथियों बच्चों के लिए, बच्चे रात में इतना ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो पूरा जो है वो कंबल चादर सब पैरों से फेंके दे रहे हैं दूर और रात भर जाग रहे हैं। वह स्थिति साथियों होती है तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सिना है। आप बच्चों को सिना 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें। यह पेट के कीड़े दूर करने की भी बहुत अच्छी दवा है और उसी कारण शायद बच्चों को जो नींद ना आ रही हो, पेट के बल लेटते हों, बार बार अपने चादर और कंबल को किक कर देते हों और रात भर जो है चुलबुलापन करते हों, उस स्थिति में सिना 30 उनको या सिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उनको इस नींद ना आने की समस्या से निजात दे देगी, जिस स्थिति में वो रात भर चहलकदमी करते रहते हों, रात भर पलंग को हिलाते रहते हों। एक कंडीशन साथियों बहुत लोगों में आती है, रात में गहरी निद्रा नहीं ले पाते, नींद नहीं ले पाते और रात भर करवटें बदलते रहते हैं। तो अगर किसी को करवटें बदलने की बहुत शिकायत है और उसके कारण उसको नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में उसको ठीक करने की दवा साथियों फेरमेट है। फेरमेट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको करवटें बदलने के कारण नींद ना आ रही हो, इससे आप खुद तो डिस्टर्ब हो रहे हैं और अपने साथ के लेटे व्यक्ति को भी डिस्टर्ब कर रहे हों, तो दोनों को इससे सुकून मिल जाएगा। जब आपका करवटे लेना भी बंद हो जाएगा, आपको गहरी नींद भी आएगी और आपका जो साथी है वो भी चैन से सो सकेगा। तो इसलिए आप फेरमेट 30 ज़रूर लें। यदि आपके करवट बदलने की रात में बहुत आदत है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है। फिर साथियों एक स्थिति कुछ हमारी माताओं बहनों में आती है कि उनका यूट्रस का प्रोलैप्स, बच्चेदानी बाहर आने का उन्हें एक सेंसेशन होता है, उसके कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। तो अगर यह स्थिति उनको हो कि
उनके यूट्रस का प्रोलैप्स होता हो, का सेंसेशन होता हो, रात में बच्चेदानी बाहर आ गई, इस तरह का सेंसेशन होता हो, उससे उन्हें नींद आती हो, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सिडिसियो ऑरेंस है। इस दवा का दो दो बूंद दिन में तीन बार देने से उनका ये जो यूट्रस प्रोलैप्स का सेंसेशन है ये भी ख़त्म हो जाएगा और उनको नींद आना भी शुरू हो जाएगा। एक स्थिति साथियों आती है, बच्चे रात में खेलने के लिए आतुर रहते हैं, वो सोते नहीं हैं या उनको नींद नहीं आती खेलने के कारण, और रात में उठ के खेलने लगते हैं। अब गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, तो अगर यह स्थिति आप बच्चों में देख रहे हैं कि वो रात में खेलने के लिए जग जाते हैं और उनको नींद नहीं आती है, उस कंडीशन में आपको नींद लाने की बहुत कारगर दवा साइप्रीपेंडियम है। साइप्रीपेंडियम 32 बूंद दिन में तीन बार आप बच्चे को दे सकते हैं, उससे उसको नींद भी आने लगेगी और वहाँ आराम से सोएगा और रात में खेलने के लिए नहीं जगेगा। एक कंडीशन आती है साथियों, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है या कोई आपका कारोबार है और उसकी सोच के कारण आपको नींद नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या ऑर्डर जाने हैं, क्या काम करना है। तो अगर वह कंडीशन आप में है कि आपको बिजनेस के कारण, सोच के कारण, एंजाइटी के कारण नींद ना आ रही हो, तो बिजनेस एंजाइटी के कारण नींद ना आने की कंडीशन को दूर करने की सबसे अच्छी दवा एम्ब्राग्रेसिया है। आप एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में तीन बार ले लें, आपको बढ़िया नींद आएगी और रात में आपको कारोबार की चिंता नहीं होगी। क्योंकि देखिए, कमा किस लिए रहें, कमा रहे हैं कि चैन से दो रोटी खा लें और बढ़िया सो लें, कोई दरवाज़ा खटखटाने का किसी का टेंशन ना हो, तो वह टेंशन दूर करने की दवा एम्ब्राग्रेसिया है। आप एम्ब्राग्रेसिया 32 बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप पाएंगे कि आपको फ़ायदा हो गया, आपकी यह समस्या खत्म हो गई। ये साथियों कुछ दवाएं थी, थोड़ी सी लिस्ट लंबी है, दवाएं और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख दवाएं थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अगर उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये दवाएं बिना कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना न लें, क्योंकि हो सकता है आपके हिसाब से दवा का सिम्टम भिन्न हो, दवा भिन्न हो और यह दवा आपको नुकसान पहुँचा दे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी क्वेरी, आपके सवाल का संतोषजनक और कारगर जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर साथियों आपको हमारा ये आपके होम्योपैथी को आपके करीब लाने का यह प्रयास पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले आप नया सा नया वीडियो हमेशा ही वहीं पाते रहें। आपका हमारा साथ देने के लिए और साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।